नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं BHU के BFA 2007 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा, आपको सॉल्व करके बताऊंगा। साथ ही करके डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, और साथ ही साथ आप जामिया के अगर आप PDF जामिया के BFA एंट्रेंस एग्जाम के PDF को चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन पेपर की, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 45 मिनट का टाइम दिया गया था। ये 2007 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, याद रखिएगा। ये इसमें आपको टोटल 2007 में आपको 45 मिनट का टाइम दिया गया, तो साथ ही साथ 150 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए गए थे, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का था, और एक गलत उत्तर के लिए आपको एक नंबर माइनस कर दिया जाता था। तो दोस्तों अब आप बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या गुप्त काल से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुप्त काल से। कौन से काल से? गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मधुबनी लोक चित्र किस राज्य के हैं? तो आई होप कि आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। मधुबनी जो चित्र है वो बिहार का है। उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो जयमंगला जो है दोस्तों, उसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। जयमंगला किसने लिखा है? तो यशोधर पंडित ने, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यशोधर पंडित ने जयमंगला की के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मूर्तिकला की उस चित्र शैली का नाम बताइए जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है। तो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है गांधार शैली। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जितने क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसके पहले भी इन सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी अलग अलग ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन इतना हूबहू सेम टू सेम पूछे गए हैं दोस्तों कि इसका जो ऑप्शन है वो भी सेम टू सेम, पहले नंबर पर मथुरा, दूसरे नंबर बरहुत, ये सभी रहते हैं। तो आपको जैसा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी आपको प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर मिल जाए, आपको अलग यूनिवर्सिटी के भी अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो सभी को आप रट डालिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा बार बार देखा गया है कि फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर करके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल कला शैली में निम्न तकनीकी से जाना जाता है। तो बंगाल जो चित्र शैली है वो वॉश टेक्निक के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से एक प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस का छात्र था। तो नंदलाल बोस का जो छात्र थे वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का उसका राइट आंसर है राम किंकर बैज। कौन है? राम किंकर बैज। राम किंकर बैज दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट और कॉन्क्रीट में अपनी मूर्तियों को बनाते थे, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये कलाकार नंदलाल बोस के छात्र थे। कौन? राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया, कहाँ लाया गया दोस्तों? तो गोवा में लाया गया, याद रखिएगा, कहाँ पे? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, अजंता की गुफा में कौन सा चित्र अंकित है? अजंता की गुफा में कौन सा चित्र अंकित है? बनी ठनी नहीं, मोनालिसा ये भी नहीं, विनेश का जन्म ये भी नहीं, पद्म पाणी जो है उसका राइट आंसर पद्म पाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, निफ्ट शिक्षण केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? जो ये निफ्ट है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो ये फैशन तकनीक में काम कर रहा है। किस में? फैशन टेक्नोलॉजी है, फैशन तकनीकी में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर स्थित? तो राजा रवि वर्मा का सबसे बड़ा जो संग्रह है वो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम यानी कि केरल में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने चित्र मोनालिसा चित्रित किया? तो लियोनार्डो विंची चित्रित किया, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सांची स्तूप किस एक नगर के पास स्थित है? तो सांची स्तूप जो है वो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, विख्यात सांची स्तूप निम्नलिखित धर्म का किस धर्म का है? तो जो सांची स्तूप है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जो भी स्तूप वगैरह बनाए जाते हैं दोस्तों वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है, चाहे वो सांची का स्तूप हो, सारनाथ में जो धमेख स्तूप है वो हो, कोई भी स्तूप, वो ज़्यादातर रिलेटेड सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप बनाए जाते हैं, जहाँ पर स्तूपों में बौद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित उनके अवशेषों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, खजुराहो के विख्यात मंदिर इस प्रांत में है? किस प्रांत में दोस्तों? तो वो खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मध्य प्रदेश, एक मिनट, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
16 जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ, तो जहांगीर आर्ट गैलरी वो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा, तो सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा, यानी कि इकबाल ने 17 इकबाल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम का कवि कौन है, तो वंदे मातरम का जो कवि है आई होप कि आप सभी को पता होगा बंकिम चंद चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, कौन चित्रकार पहले सिनेमा पोस्टर्स बनाता था, तो एमएफ हुसैन पोस्टर्स बनाते थे फिल्मों के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है कि ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो थ्योरी के एंट्रेंस एग्जाम आपका अगर आपको देना है तो आप बुक तो लीजिए, साथ ही साथ आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाए उसको रट लीजिए, वो हो सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ललित कला के एक समान तत्व को बताइए, तो ललित कला के एक समान तत्व जो होते हैं जैसे कि तान, ये सभी ललित कलाओं यानी कि पेंटिंग, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्यकला और संगीत कला, इन सभी के लिए तान उपलब्ध नहीं है, यानी कि तान जो है वो स्पेशली पेंटिंग के लिए यानी चित्रकला के लिए रिलेटेड है। दृश्य डिजाइन जो है वो भी नहीं, त्रियामी जो है वो सिर्फ मूर्तिकला में स्थापित की मूर्तिकला के से रिलेटेड है। जो लय है यानी कि रिदम जो होता है वो दोस्तों सभी ललित कलाओं के लिए समान तत्व माना जाता है, तो जो लय है वो इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए, देखिए एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनना है। सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं, कलाओं के बीच अंतः संबंध व्याप्त है, तीसरा है कलाओं में परस्पर टकराव है, चौथा है सभी कलाएं जड़ होती हैं। इसका देखिए दोस्तों अर्थपूर्ण उत्तर को चुनना है आपको, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा शुद्ध लग रहा है तो वो है सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक लायन कैपिटल सारनाथ से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह, तो शिक्षा से संबंधित प्रसिद्ध जो क्या है इसमें, एक मिनट, हाँ, शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह जो है यानी कि उसका सिंबल जो है वो किससे लिया गया है दोस्तों, तो वो है एक मिनट, इंसिग्निया से रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो इंसिग्निया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मल्टीमीडिया क्या है, वाटर तथा ऑयल मिक्स्ड, कंप्यूटर, विजुअल या साउंड या ट्रांसपेरेंसी, तो दोस्तों इसमें विजुअल तथा साउंड होगा, याद रखिएगा विजुअल तथा साउंड अगर नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर पे लगा सकते हैं। मल्टीमीडिया अगर आपको पूछ रहा है तो कहीं पे आपको ये विजुअल तथा साउंड नहीं मिलेगा, कई क्वेश्चन पेपर में मैंने ऐसा देखा है कि विजुअल तथा साउंड उसमें नहीं दिया था, जिसमें कंप्यूटर दिया था तो उसमें आपको कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि इसमें से कौन सी कंपनी है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान लीवर, मेगाबाइट, लिंटास, इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो इसमें से जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर लिंटास जो है वो इसका राइट आंसर है 25 का लिंटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, उस शहर का नाम बताइए जहां ललित कला अकेडमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है, तो उसका राइट आंसर है लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला के क्षेत्र में सुविख्यात है, निम्नलिखित में राजा रवि वर्मा जो है वो सुविख्यात है, देखिए परवीन सुल्ताना ये नहीं है, प्रोफेसर टी एन कृष्णन ये भी नहीं है, अरुणा ईरानी जो चित्रकला के लिए विख्यात है दोस्तों, तो राजा रवि वर्मा, आई होप इनमें से बाकी सब क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राजा रवि वर्मा ऑलरेडी इंडिया के सबसे महान कलाकार जाने जाते हैं, तो इन्हें आप लगा दीजिए आँख बंद करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी रंगत गर्म रंगत है, लाल नारंगी, नीला बैंगनी, लाल बैंगनी, कौन सी रंगत गर्म रंगत है। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला सवाल हो गया, क्योंकि इसमें पहले क्वेश्चन वाले में जो आंसर दिया गया है उसमें दिया गया है लाल नारंगी, और अगर आप तीसरे को देखेंगे, अब देखिए नीला बैंगनी पूरी तरह से ठंडा रंग होता है तो उसको आप हटा दीजिए, लाल और बैंगनी जो दिया है इसमें भी चौथा नंबर का जो आंसर दिया है लाल और बैंगनी, इसमें भी आपको बैंगनी दिया हुआ है तो इसको भी आप नहीं रखेंगे इस लिस्ट में। लाल नारंगी जो पहला आंसर है, लाल नारंगी, उसके अलावा इसमें लाल तीसरा जो दे दिया है दोस्तों, लाल दे दिया है, तो इन दोनों क्वेश्चन में
थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि पहले वाले में लाल नारंगी सबसे ज़्यादा जो गर्म रंग होता है वो लाल होता है, तो इसमें लाल ही हमारे ख्याल से होना चाहिए, लाल ही होना चाहिए। तो मैं तो लाल ही, अगर मुझे लगाना होता तो मैं लाल लगाता दोस्तों। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार कंफर्म करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कार्टून फिल्में आश्रित है, कार्टून फिल्में आश्रित हैं 29। तो कार्टून फिल्में जो है वो ऑफ आर्ट ऑफ कोरियोग्राफी, यानी कि तीसरा आर्ट ऑफ कैरी, एक मिनट, कार्टून फिल्में आश्रित है, कार्टून फिल्में आश्रित है क्वेश्चन ये है। इसका राइट आंसर, एक मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आर्ट ऑफ एनिमेशन, कार्टून फिल्में आश्रित है आर्ट ऑफ एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से एक त्रियामी कला को बताइए। तो त्रियामी कला यानी कि थ्री डायमेंशनल जो कला आर्ट होता है जिसको चारों तरफ से देखा जा सकता है, थ्री डायमेंशनल जिसको बोला जाता है, उसको आप घूम के 360 डिग्री से किसी भी एंगल से देख सकते हैं, वो इसमें से जो मूर्ति है उसको आप चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, तो ये हुआ मूर्ति राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पोस्टर का प्रथम डिजाइनर था। तो पोस्टर का जो प्रथम डिजाइनर था दोस्तों वो चैरट था, कौन था? चैरट पोस्टर का प्रथम डिजाइनर। नेक्स्ट दोस्तों है, फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता? देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोटोग्राफी जो पेपर है वो लाल रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रभाव से प्रकाशित किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है, तो वो हो जाएगा सफ़ेद, लेकिन यहाँ पर आपको लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रयोग के तौर पर भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? तो 1949, प्रयोग के तौर पर भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? तो 1959 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सामता प्रसाद कौन सी कला से जुड़े हुए हैं? सामता प्रसाद जो हैं वो कौन सी कला से जुड़े हुए हैं? तो उसका राइट आंसर है तबला से जुड़े हुए हैं। सामता प्रसाद कौन सी कला से जुड़े हैं? तबला से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ओडिशा नृत्यकार का नाम बताए, ओडिशी नृत्यकार का नाम बताए। तो ओडिशी नृत्यकार जो हैं वो हैं उदय शंकर, ठीक। केलुचरण महापात्र, इसका राइट आंसर केलुचरण महापात्र। ये है जो ओडिशी नृत्यकार का नाम बताइए, ये है केलुचरण महापात्र, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों कौन सा है? कथकली। कौन सा है? कथकली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल जो है वो कहाँ का चर्चित पर्व है दोस्तों? वो है तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो वो है तमिलनाडु का चर्चित पर्व है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है, कौन सी नदी है दोस्तों? एक मिनट, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताना चाहता। अगर आपको पता होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आप मुझे कमेंट करके आप बताइए कि कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, फ्लॉपी डिस्क का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या काम है? आंकड़ों का संकलन करना, कार्य करने वाला यंत्र, छापने वाला यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंकड़ों का संकलन करना फ्लॉपी डिस्क का मुख्य काम होता है, आंकड़ों का संकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्ञा संस्कार के बाद विद्यार्थी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? भिक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भिक्षु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? स्त्री शिक्षा। वनस्थली विद्यापीठ दोस्तों आई थिंक ये राजस्थान में स्थित है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ राजस्थान में इसको, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में स्त्री, यहाँ पे स्त्री शिक्षा से संबंधित ये कॉलेज है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर पहला ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अग्निशामक उपकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट दोस्तों कौन से एक मिनट, अग्निशामक यंत्र में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कितना प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करता है, कितना परसेंट का जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर करता है। तो उसका राइट आंसर देखिए दोस्तों 70%, एक मिनट, 70%। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही से उत्तर मिल जाना देखिए दोस्तों आई थिंक पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक है 95% चांस यही है कि आपको ये 70% वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन साफ पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का, तो डल झील साफ पानी का सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध कला निर्देशक का नाम बताएं, तो कला निर्देशक इसमें से प्रसिद्ध सबसे कौन से हैं, तो ये हैं सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत भूमि के सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थान है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, कन्याकुमारी कश्मीर यानी कि उत्तर, कन्याकुमारी यानी कि दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में दूरदर्शन पर प्रथम शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1959 में। जी हाँ दोस्तों आंसर नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पुरस्कार होते हैं शक्तिशाली किस लिए, प्रोत्साहन के लिए, उपलब्धि के लिए, अंतर्नोद के लिए या लक्ष्य के लिए, तो दोस्तों प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि आप और प्रोत्साहित होंगे तो और भी अच्छा काम करेंगे आगे चल के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, रंग भरने से पूर्व इन्हें किस सतह पर रखते हैं, कलर डिस्क, कलर पैलेट, कलर प्ले, कलर ट्रे, तो कलर पैलेट होता है, रंग भरने से पूर्व उन्हें कलर पैलेट पर रखा जाता है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में रंग भरने से पूर्व इन्हें किस सतह पर रखा जाता है, कलर रंग भरने से पूर्व, इस क्वेश्चन का दोस्तों ये रंग भरने से पूर्व यानी कि समझ में थोड़ा सा ठीक से नहीं आ रहा है, क्योंकि रंग भरने यानी कि जो कंप्यूटर के प्रिंट जो होते हैं, जो प्रिंटर होते हैं उसमें भी रंग भरने से इसमें लिखा हुआ है, तो रंग अप्लाई करना यानी फिर पेंटिंग बनाने के लिए जो अगर पूछा जाता है इसमें, तो कलर पैलेट पे इसका राइट आंसर होता, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन दोस्तों कन्फ्यूजन करने वाला है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, और आपको जो इसमें ठीक लगे दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कि किसका सही निकलता है। बाद में मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको मैं आपको बता दूँ, अगर मुझे अच्छे से पता चल पाएगा इसका तो कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का आंसर आपको पिन करते हुए मिल जाएगा, पिन किया हुआ रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, इस अप्लाइड आर्ट वर्गीकृत है, दृश्य कलाएँ, मंचन कलाएँ, श्रव्य कलाएँ, व्यवहारिक कलाएँ, दोस्तों अप्लाइड आर्ट किसके लिए वर्गीकृत किया गया है, तो आप इसका आंसर आप खुद बताइए, लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका राइट आंसर क्या है। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छा नॉलेजबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।